हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक सलवार की कटिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए देखते हैं मेरी आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, मैं सलवार की कटिंग की वीडियो के लिए, तो देखिए कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने जो कपड़े लिए, ये 2 मीटर कपड़ा है। इसको पहले दो किनारे ऐसे जो कर ऐसे इस तरह से फोल्ड करके हम ड्राइंग करेंगे, फिर हम आपको समझा देंगे कैसे सलवार कटिंग करते हैं। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से मैं बनाकर दिखाऊंगी एक कटिंग। तो आपने देख लिया मैं कैसे कपड़े को फोल्ड किया। तो मैं आपको नाप दिखा देती हूँ, कितनी चौड़ा मैंने लिया और कितने लेंथ लिया मैंने। और ये 34 इंच चेस्ट का सलवार है। अगर आपको किसी और चेस्ट का भी सलवार चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो पर बता दूंगी आपका चेस्ट 34 हो या 36 हो या 32, जो भी हो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से बना सकते हैं किसी भी साइज का। तो देखिए फिर मैंने फोल्ड कर लिया। तो अब मैं इसको आपको नाप दिखा देती हूँ कितनी चौड़ाई मैंने लिया। यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से मैंने टोटल फोल्ड करने के बाद मैंने चौड़ाई लिया 11 इंच। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं आपको इंची टिप पर रख कर दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं 11 इंच चौड़ा लिया, ये 11 इंच। और इसका लेंथ है 37 इंच। आपका जो भी लेंथ है आप वो ले सकते हैं। मैं 37 इंच लेंथ ले रही हूँ, आपको जो भी लेंथ है आप वो ही लीजिए। अब मैं ऊपर के साइड से नाप लूँगी। यहाँ से मैं लूँगी 14 इंच। यहाँ पर कमर की नाप होगा ये 14 इंच, इस साइड पे हम लेंगे 14 इंच और दोनों मार्क को अटैच कर देंगे स्केल से। अब हम फिर से ऊपर की साइड से नाप लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 7 इंच से थोड़ी सी कम और 6.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा। तो मैं आपके देखो 7 इंच से जो आगे एक लाइन है, आपको ये इंची टेप पर दिखा देगी। 7 इंच से थोड़ी सी आगे है, वहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ और दोनों को अटैच कर देंगे। मेरी चेस्ट है 34, तो इसका मतलब यहाँ से मैं लूँगी 34 को 5 से डिवाइड करके वो नाप लिया मैंने। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं खाते पे ड्राइंग करके आपको समझा दूंगी, मैथ करके आपको समझा दूंगी। तो आप देखिए मैं दोनों लाइन का कवर कर रही हूँ। एक लाइन पर होगा चेस्ट का नाप और एक लाइन पर होगा जहाँ पर 14 इंच लेंथ लिया था वहाँ पर होगा कमर का नाप। तो देखिए अब फिर से मैं कॉर्नर से मैं लूँगी, यहाँ से मैं लूँगी 7 इंच, टोटल 7 इंच। देखिए मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ और दोनों के अटैच कर दूँगी। इस शोल्डर के लिए मैंने नाप ले रही हूँ। आप दोनों लाइन को स्केल से टच कर दूंगी। अब हम इस कॉर्नर से हम लेंगे 3 इंच, ये नेक के लिए नाप है 3 इंच। फिर उसके बाद वहां से हम लेंगे 1/2 इंच, 3 इंच मैंने लिया। फिर थोड़े यहाँ 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3 इंच है और फिर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस साइड से हम लेंथ लेंगे। मैं 6 इंच ले रही हूँ। मैं ये बैक साइड के नाप कर रही हूँ और आगे की जो नेक है उस पर डिजाइन करूँगी। तो आप देखिए मैं 6 इंच लिया और यहाँ से मैं लिया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच से जहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया था उस पर ऐसे अटैच करना है, फिर उसके बाद 3 इंच पर अटैच करना है। आप ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम चेस्ट के लिए नाप लेंगे साइज, जो मेरे 34 इंच का साइज था वो। तो हम यहाँ से नाप लेंगे, इस कॉर्नर से इंची टेप को रख के हम लेंगे 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे
फिर हम 9.5 इंच पर फिर 10.5 इंच पर मार्क करना है। ये है मार्क, ये स्टिचिंग लाइन, और जो मैंने लास्ट में लिया वो है कटिंग लाइन। तो अब मैं कमर पे नाप लूँगी, तो मेरी कमर है 28 इंच, तो यहाँ पर लूँगी 7 इंच, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा वो कटिंग के लिए है। तो देखिए इस कटिंग वाली है लाइन को इसके साथ अटैच करना है और स्टिचिंग वाली लाइन को इसके साथ अटैच करना है। जहाँ पर मैंने चेस्ट के लिया तीनों लाइन लिया, दोनों ही 1 इंच 1 इंच करके एक्स्ट्रा लिया, लेकिन कमर पे जहाँ पर मैंने 7 इंच पे मार्क किया था वहाँ से 1.5 इंच, उसके बाद 1 इंच। तो इसको ऐसे एक लाइन शेप दे देना है। उसके बाद जहाँ पर मैंने कटिंग किए मार्क किया था उसके ऐसे इंच टेप को रख कर हम एक लाइन अटैच कर देंगे। देखिए तो अब यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच, फिर हम इसको इसके साथ अटैच करना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच से थोड़ी कम नाप लेकर इसको स्केल से अटैच करना है, और अब नीचे के साइड यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, और यहाँ से हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच पर लेके स्केल से अटैच कर दे रहा है। ऐसे करने से मेरी जो सलवार है वो बहुत ही अच्छे शेप आएगा कॉर्नर पे। अगर आप वो 1 इंच वाले नाप ना ले तो भी चलेगा, तो मैंने ये अच्छे दिखने के लिए लिया। तो यहाँ से हम फिर से लेंगे 1.5 इंच से थोड़ी कम नाप लेके इसको इसके साथ अटैच करना है। अब हम बाजू के लिए एक शेप दे देंगे। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे शेप दे रही हूँ, यही मेन पार्ट है। देखिए आपके पास अगर स्केल शेप वाला स्केल है तो आप उसी से कर सकते हैं, मैं हाथ से ही आपको करके दिखा देती हूँ। इसको ऐसे रख के अच्छे से धीरे से इसको ऐसे एक गोलाई दे देना है। ये मेरे बाजू के शेप हो गए। देखिए 4 इंच पर मैंने इसके अटैच कर देना। तो देखिए मेरी सलवार की ड्राइंग बिल्कुल रेडी है, और कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये ड्राइंग समझ में ना आया हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना, और समझ में आया है तो भी फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आपको आप कटिंग करके दिखा देती हूँ। और इस सलवार की स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको बता दूँगी। मेरी इस सलवार की स्टिचिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ और कहाँ से कौन सी लाइन कट रही हूँ। यहाँ से कैंची को धीरे से जहाँ पर इस ऐसे कॉर्नर वाले से ऐसे थोड़ी सी कट के फिर घुमा के ऐसे कटिंग कर लेना है। जहाँ पर मैंने स्टिचिंग सीखा था मुझे ऐसे ही सलवार सिखाया है। अगर आप किसी और तरह से भी सिखाते हो तो मुझे कमेंट करके बताना आप कैसे। तो देखिए फ्रेंड मैंने कटिंग कर लिया। अब हमें इस कॉर्नर से ऐसे पकड़ के एक कैंची से एक कट लेंगे थोड़ी सी, ताकि मेरी जो अंदर का पार्ट है वो उसके भी निशान में आ जाए। और जहाँ पर चेस्ट है वह स्टिचिंग लाइन है वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी एक कैंची से काट लेंगे थोड़ी सी, ताकि दोनों पीसेस समझ में आ जाए, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ड्राइंग है लेकिन अंदर में ड्राइंग नहीं है इसलिए। तो देखिए इसको अंदर से निकाल लूँगी, फिर ऐसे फोल्ड करके जो मैंने निकाल लिया वो होगा फ्रंट साइड, उसमें मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। डिज़ाइन के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ये पीछे वाला नेक है, मैं पीछे वाले नेक पर कोई डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बॉक्स बना रही हूँ। तो देखिए इस नाप को काट के फिर हम पट्टी कटेंगे। तो आप देखिए मैं पट्टी कैसे करती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, मैंने पीछे वाले नेक के लिए पट्टियाँ कट कर लिया। तो अब हम शॉर्ट हैंड बनाकर दिखाऊंगे शॉर्ट हैंड की कटिंग। तो शॉर्ट हैंड की स्टिचिंग भी आप दूसरे वीडियो पर आपको दिखा दूंगी। अगर आप लॉन्ग हैंड या फिर थ्री क्वार्टर हैंड देखना चाहते हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना, आप वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं आपको वहाँ लिंक दे दूँगी। तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके पहले आपको लेंथ दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लेंथ लिया 4.5 इंच, और यहाँ से हम लेंगे पहले मैं यहाँ से 1 इंच, इस साइड से 1 इंच, और इसके जो चौड़ा मैंने लिया तो देखिए 8 इंच, 18 चौड़ा वाला इसका लेंथ लिया 4.5 इंच। अगर आप जितना लेंथ चाहे उतना ले सकते हैं, मैं 4.5 इंच लिया। तो देखिए यहाँ पर भी नाप भी देखिए आप। अब यहाँ से हम लेंगे इस कॉर्नर से 8 इंच पर हम माफ कर देंगे, इसको अटैच कर देना है। अब हम इस साइड में रख के 3.5 इंच पर माफ करना है, फिर इसको फिर 7 इंच और ये 8 इंच, तो इसको इसके साथ अटैच करना है। तो देखिए इसको ऐसे शेप दे देना है। अगर आपके पास शेप देने की स्केल है तो आप उसी से देना, मैं हैंड से ही दे रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर स्टिचिंग किया सीखा था वहाँ पर हैंड से ही सिखाते थे। जो शेप नहीं दे सकते थे उसी को ही सिर्फ स्केल देता, मैं दे रही थी इसलिए मुझे हैंड से ही सिखाया। अगर आपको हैंड से शेप देना नहीं आता तो आप स्केल यूज करना, अगर देना आता है तो सिर्फ आप हैंड से ही दीजिए। तो देखिए फिर इसको ऐसे होल्ड करके दोनों के इस साइड से हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी कटिंग, कोई भी डिज़ाइन स्टिचिंग आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको वो डिज़ाइन कटिंग करके या स्टिचिंग करके आपको दिखा दूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।